चल रहा है, मैं प्रमोद यादव एंड मैं अभी आया हूँ बजाज सेक्टर 14 गुड़गांव में, एंड ये मेरे पास है 2024 नई बजाज NS 200, ब्लैक कलर है और ये अभी नया वेरिएंट है, इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो इसका रिव्यू करते हैं, बाकी इंस्टा पे फॉलो करें, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो गाइस, ये खड़ी अपनी नई 2024 बजाज पल्सर NS 200। सो देख लो भाई, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, कॉम्पिटिशन की बात करें अपाचे 200 होगी अपनी, उसके साथ कंपटीशन कर सकते हैं इस बाइक का, और काफ़ी स्पोर्टी बाइक है, यंगस्टर्स के लिए एडवेंचरस बाइक है और स्पोर्ट्स नेकड है, तो काफ़ी अच्छी है। प्राइसिंग की बात करें 1,88,000 रुपये ऑन रोड गुड़गांव में पड़ती है ये। बाकी ये फ्रंट फेस की बात करें, काफ़ी एग्रेसिव फ्रंट फेस लगता है इसका, मोस्ट काइंड ऑफ लुक मिलती है आपको, जो NS 160 है और उससे कुछ सिमिलर सी लुक मिलती है, मतलब वो लुक के मामले में दोनों सेम है, इंजन थोड़ा सा डिफर करता है, बाकी उसकी वीडियो भी आएगी। यहाँ पे आपको फ्रंट में छोटा सा वाइजर काइंड ऑफ लुक मिलती है, ट्रांसपेरेंट सा है ब्लैक में, बट ज़्यादा कुछ ऐसा वाइजर नहीं मिलेगा, तो विंड ब्लास्ट तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे फाइबर पार्ट मिलता है, रेड में ग्राफिक्स मिलते हैं, एंड नई चीज़ यहाँ पर आपको देखो, ये फ्रंट लुक थोड़ी सी अलग दे दी गई है, क्योंकि इसमें LED डाल दी गई है, वो आपका पुराना वाले वेरिएंट खड़ा है वहाँ पर, उसमें आपको हैलोजन लाइट मिलती थी, अब यहाँ पे देखो LED डायल्स दे रखी है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है, लाइटनिंग काइंड ऑफ लुक है, एंड ये पूरी LED लाइट मिलती है, तो लोगों का मतलब थी एक कंप्लेन कि यार इसमें LED लाइट क्यों नहीं दी है, इतनी महंगी बाइक है, तो वो डाल दी गई है। बजाज की फ्रंट में आपको लोगो मिलता है, LED इंडिकेटर डाल दी गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट प्लेस कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको फेक कार्बन फाइबर फिनिश टाइप का कुछ मडगार्ड पे डिज़ाइन मिलता है, ये भी आपको फाइबर में मिलता है, ये क्वालिटी देख लो ठीक है, एंड यहाँ पर ब्लैक में मिलता है मडगार्ड, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिलता है मेटलिक गन ब्लैक फिनिश कलर में, एंड एलोइस देख लो, एलोइस का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का मिलता है ग्रेस में, और काफ़ी सही लग रहा है इसके साथ। रेड में आपको यहाँ पर ग्राफिक देखने मिल जाते हैं, 100x80 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है आपको, यहाँ पर टायर मतलब रेडियल टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर काफ़ी अच्छे टायर मिलते हैं, देखो वाइड है फ्रंट पर टायर 100 सेक्शन का है, तो वो चीज़ अच्छी है। डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है आपको, यहाँ पर ब्रांडिंग में मिलती है डुअल डिस्क के साथ, ब्रेकिंग काफ़ी सही है इसकी, ग्रिप मेकर के आपको ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है, तो ब्रेक ठीक है, एंड रोड पे ग्रिप काफ़ी अच्छी आएगी इस बाइक में, ट्यूबलेस टायर है, रेडियल टायर है, तो और स्पोर्ट्स बाइक है तो भगाने में काफ़ी मज़ा आएगा, एंड USD फोक्स मिलते हैं ग्रे कलर में, फ्रंट में आपको USD फोक्स हैं, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। ये रेडिएटर लगा हुआ है आपको बड़ा सा यहाँ पर हीटिंग के लिए, आपको सिंगल हॉर्न मिलता है यहाँ पर आपको, तो ये कुछ चीज़ है। बात करते हैं इसकी साइड लुक की, साइड से कुछ ऐसी लगती है, देखने में काफ़ी हैवी एंड एग्रेसिव स्पोर्टी लुक दे रही है। फ्यूल टैंक देखो कितना उठा हुआ सा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, ग्लोसी ब्लैक रेड में ग्राफिक्स है, एंड आपको थोड़ा ग्रे का टच दे रखा है जगह जगह पे, तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको यहाँ पर, एंड कहीं कहीं मेटलिक गन ब्लैक फिनिश का। सो बात करें फ्यूल टैंक की, 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, N160 है जो उसमें आपको 14 लीटर का मिलता है, इसमें आपको 12 का, बट इसका फ्यूल टैंक काफ़ी दिखने में स्पोर्टी और एग्रेसिव लगता है, यहाँ से काफ़ी नैरो है, यहाँ से काफ़ी वाइड हो रहा है। जनरली स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में कुछ इस टाइप का ही फ्यूल टैंक आता है, यहाँ पर इवन टैंक पैड मिलता है आपको, बेल्ट वगैरह से स्क्रैच ना लगे। 3D में आपको पल्सर की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि काफ़ी सही लग रही है, रेड कलर का ग्राफिक्स आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, काफ़ी सही लग रहा है। ये कुछ फिंच टाइप का डिज़ाइन है, 200 लिखा हुआ है थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर में, और काफ़ी कूल डिज़ाइन लग रहा है इसका। ये रेडिएटर का आपको लिक्विड दे रखा है, फ्यूल इंजेक्शन है, तो फ्यूल इंजेक्शन की ब्रांडिंग दे रखी है। ये आपको मैट सेक्शन मिलता है, काफ़ी टच एंड फील काफ़ी अच्छा, जाली टाइप का डिज़ाइन मिलता है, एंड यहाँ पे E20 की ब्रांडिंग मिलती है, OBD2 वाला वेरिएंट है, 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल में चलेगी। जब राइडर बैठेगा तो लेग्स यहाँ पे पूरे फोल्ड हो जाएंगे, एंड यहाँ से उठा हुआ फ्यूल टैंक काफी अग्रेसिव टाइप का फील होगा, हाथ ऊपर रहेंगे क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, मतलब थोड़ा स्पोर्टी पोस्चर तो रहेगा बट थोड़े से अपवर्ड ही हाथ रहेंगे, तो हाथ में कुछ ऐसा पेन नहीं होगा, एंड हैंडल ग्रिप काफी बढ़िया दे रखी है। स्लीपर क्लच है, लाइट है, बटन क्वालिटी काफी सही है, ये देखो पास मार रहा हूँ, LED लाइट काफी सही जल रही है, हॉर्न भी लाउड है, एंड ये लाइट के लिए कुछ दे रखा है मीटर के लिए, ये इंजन किल स्विच है, एंड आवाज़ सुना देता हूँ एक बार आपको इसकी, अंडर बैली एग्जॉस्ट है, इनिशियल में कुछ ऐसा साउंड आता है, तो काफ़ी अच्छी मतलब इसमें आपको एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलती है, काफ़ी बेसियर स्पोर्टी, जब आप भगाओगे ना टॉप स्पीड करोगे तो काफ़ी अच्छा फील आएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, ये बटन में लाइटिंग भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है, तो ये एक चीज़ अच्छी मिलती है, बजाज अपने बटन्स में इसमें लाइटिंग देता है, केटम में भी आती है ये चीज़। एक बार मीटर दिखाने से पहले की दिखा देता हूँ, सो ये कुछ की मिलती है आपको, पल्सर लिखा हुआ मिलता है यहाँ पर, और मीटर दिखाते हैं, ये अपग्रेड किया गया है मीटर, यहाँ पर कुछ बड़ा सा दे दिया गया, ये दो बटन इसके, ये देखो
LED ये लाइट देखो कैसे ग्रीन से रेड अलग अलग हो रही है, ये लाल चस रही है, अभी देखो यहाँ पर आपको इन स्विच ऑन करना पड़ेगा सारे फीचर एक्सेस करने के लिए। ये गियर इंडिकेटर है, ये RPM आपको 12,000 RPM तक दिखाएगा, रीफ्यूल वार्निंग देगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। गियर इंडिकेटर है तो अच्छी चीज़ है ही, और गियर शिफ्ट लाइट हो गई। ये इंडिकेटर्स हैं कुछ ABS वगैरह, न्यूट्रल इंडिकेटर, ओडोमीटर, ये आपको IFE इंटीग्रेटेड फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगी। एंड ये बटन है, ये देखो पल्सर कुछ ही ब्रांड नहीं दिखा रहा है इसकी कुछ। एंड AFE ट्रिप ए की AFE दिखा रहा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप टू की दिखा रहा है AFE। एंड ये वार्निंग्स दे रहा है, एंटर करना पड़ेगा इस बटन से, इसमें एंटर करूँगा मैं लॉन्ग प्रेस करके। ऐप कनेक्टिविटी भी है, और एक बार शायद मैं इसको कोशिश करके देखता हूँ सेटिंग्स में एंटर करके, यहाँ से लॉन्ग प्रेस करूँगा M से, या फिर सिंगल प्रेस से नहीं हो रहा, लॉन्ग प्रेस करता हूँ। ये मैंने यहाँ से लॉन्ग प्रेस किया, हाँ यहाँ से देखो ब्लूटूथ का आ गया था, ब्लूटूथ ऑन कर सकते हो अब इसमें, शायद स्विच कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अब, ये ब्लूटूथ वगैरह यूज़ कर सकते हो, इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलेगी आपको, और सेट क्लॉक सेट कर सकते हो, और DTS ये आपको दिखा रहा है, डिस्टेंस टू MT एग्जिट, ये सब चीज़ें मिलती है, तो ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट ये बटन थोड़े से हार्ड है। एंड यहाँ पर आपको दिखाता है चार्जिंग पोर्ट, मतलब काफ़ी पीछे दिया रखा है, काफ़ी हार्ड है वैसे तो, टाइप ए का दिखा रखा है, तो आप चार्ज लगा सकते हो, तो ये चार्जिंग पोर्ट गिवन है। ये स्मार्ट कनेक्ट है, तो जैसे मैंने बताया ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और फ्यूचर एक्सेस कर सकते हैं इसके, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ इसका मीटर दे दिया गया, अब काफ़ी सही लग रहा है, नेगेटिव डिस्प्ले है, और बाकी सीट देख लो काफ़ी कुशनेबल है, राइडर पिलेन के लिए काफ़ी चौड़ी बड़ी सीट है, कंफर्टेबल है, सिटी राइड लॉन्ग राइड कर सकते हो। NS200 की ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पर, रेड एंड ग्रे के ग्राफिक्स दे रखे हैं यहाँ पर, और पिलेन ग्रैबरेल दे रखा है, काफ़ी स्पोर्टी मैट में अच्छा लग रहा है। इंजन की बात करें, 200cc का सिंगल सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड है, तो हीटिंग वगैरह कोई इश्यू नहीं होएगा। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो अराउंड 140 KMPH के आसपास अचीव कर लेगी, 0 to 100 अराउंड 10 सेकंड के आसपास अचीव कर लेगी। 168 kg आपको वो मिलता है, 168 M का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, अभी डुअल स्टैंड पे है, डुअल स्टैंड मिल जाता है आपको, बट ठीक है ग्राउंड क्लियरेंस इसका। ये स्पोर्टी हुड मिलता है आपको यहाँ पर। बात करते हैं अब इसके पावर, 20.5 HP की पावर एंड 18.7 Nm का टॉर्क मिलता है, तो काफ़ी अच्छा खासा पिकअप आपको देखने को मिलेगा। एंड ये लेग गार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, फ्यूल इंजेक्शन है, तो माइलेज भी आपको अराउंड 35-40 KMPL के आसपास दे देगी, राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है चीज़ें। एंड इसमें आपको 158 kg का कर्वेट मिलता है, 805 mm की सीट हाइट, तो वो भी ठीक है। एडजस्टेबल नाइट्रोक्स मोनोसोक्स मिल जाते हैं आपको पीछे तरफ, रेड कलर में मोनोसोक्स है, तो काफ़ी अच्छे आपको सस्पेंशन क्वालिटी मिलेगी, और स्पोर्टी आएगा तो टॉप स्पीड करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड ये पीछे डिस्क है, ये पीछे मडगार्ड दे रखा है, मतलब इससे क्या है कि आपकी लुक तो थोड़ी वो होएगी, बट मिट्टी से गार्ड करेगी, बट आप हटाओगे तो लुक और अच्छी आएगी। पीछे आपको 130 सेक्शन का ट्यूबलेस चौड़ा टायर मिलता है, ग्रिप देख लो काफ़ी अच्छी है, तो लुक काफ़ी अच्छी आती है पीछे से। LED लाइट मिलती है पीछे, और अभी यहाँ पे टेल टाइडी में ये रिफ्लेक्टर नहीं दे दिए गए हैं, तो टेल टाइडी भी काफ़ी स्पोर्टी लग रही है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और अच्छी लगेगी। यहाँ पे भी ग्राफिक्स दे रखे हैं, पीछे से साइड से कुछ इस टाइप की लुक आ रही है इसकी, और काफ़ी सही लग रही है। एंड यहाँ पे 6-speed गियर बॉक्स मिलते हैं, काफ़ी स्मूथ है, बटर स्मूथ गियर शिफ्टिंग होगी आपकी, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ साइड स्टैंड देखने को मिल जाता आपको, और ये कुछ चीज़ें मिल जाती है। बाकी फ्यूल टैंक काफ़ी एग्रेसिव और अच्छा लगा मुझे इसका। एंड ओवरऑल चीज़ें मैंने आपको इसकी बता दी है, बेसिकली यही कुछ चेंज थे। एंड देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम स्पोर्टी लुक आ रही है, देखो एक बार फिर से। लुक वाइज काफ़ी अच्छी पावरफुल इंजन है, और काफ़ी स्मूथ है, वाइब्रेशन ऐसा ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, और थोड़ा सा ये है माइलेज वगैरह पे थोड़ी लो मिलती है इसमें, बाकी सही है बाइक, बताना कैसी लगी। सो गाइस ये देख लिया आपने 2024 बजाज पल्सर NS200 कैसी लगी बताना पर्सनली। अब इसमें देखो LED लाइट भी दे दी गई आपको, और कुछ मीटर भी अपडेट कर दिया गया है, बाकी प्राइसिंग ठीक है, 188 लैक्स गुड़गांव में है। बाकी स्पोर्टी बाइक है, जिनको पावर परफॉर्मेंस लुक चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, मिलते हैं किसी तो खुश रहो, बोलो बाइक।